एल्विश ने स्वीकार किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश यादव ने पूछताछ में कबूला कि वो गिरफ्तार आरोपियों राहुल समेत सभी से अलग अलग रेव पार्टीज में मिल चुका था और जान पहचान थी, उनके संपर्क में भी था। तो ये बड़ी खबर, सांप का जहर मंगवाने की बात कबूली है एल्विश यादव ने। सूत्र बता रहे हैं ये बड़ी खबर, आरोपियों से संपर्क की बात भी कबूली और आरोपियों को जानता था, कई पार्टीज में उनसे मुलाकात हुई थी, इस बात को लेकर भी एल्विश यादव ने कबूलनामा किया है। तो एल्विश का ये बड़ा कबूलनामा, मंगवाता था सांपों का जहर, पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, आरोपियों से भी जान पहचान की बात को माना। नोएडा सेक्टर 51 में रेव पार्टी की आपको क्या जानकारी थी? तो एल्विश ने इसका जवाब ये दिया कि हाँ, जानकारी थी, ऐसी पार्टियां अक्सर होती रहती हैं। अगला सवाल पुलिस की तरफ से ये था कि उस पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे, उन सांपों को भिजवाने में आपका नाम भी सामने आया है। तो एल्विश ने कहा कि रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है और वो सांप जहरीले नहीं होते। इसके अलावा अगला सवाल जो पुलिस की तरफ से पूछा गया वो ये कि पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम क्या आपने किया था, जिस पर एल्विश ने कहा कि राहुल ने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से संपर्क करवाया था, बाकी उनकी आपस में क्या बात हुई मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं। एल्विश का आज सवालों से सामना हुआ, पुलिस ने ये तमाम सवाल एल्विश से पूछे। उसका काफिला सड़क से निकलता है तो सिस्टम हैंग हो जाता है, लाखों लोग जाम में फंस जाते हैं। वो सोशल मीडिया पर खुलेआम बोलता है, आज जयपुर में मीटअप है, आज गुरुग्राम में मीटअप, आज यहाँ मीटअप, आज वहाँ मीटअप है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके लाखों फॉलोवर्स हैं। सही समझे, ये सारा इंट्रोडक्शन है यूट्यूबर एल्विश यादव का। सिस्टम को हैंग करने वाले एल्विश को पता नहीं था कि उनको रहना तो सिस्टम के नीचे ही है। 5 महीने बाद कल यूट्यूबर और बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एल्विश पर रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने तलब किया था। उनसे मामले की पड़ताल के लिए पुलिस ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की थी। गिरफ्तारी से पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई। इस दौरान नोएडा पुलिस के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहे। जब एल्विश की दलील और जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एल्विश का सवालों से सामना, नोएडा सेक्टर 51 में रेव पार्टी की आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी, ऐसी पार्टियां अक्सर होती रहती हैं। उस पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे, उन सांपों को भिजवाने में आपका नाम भी सामने आया है, रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है, वो सांप जहरीले नहीं होते, पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम आपने किया था, राहुल ने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से संपर्क करवाया था, बाकी उनकी आपस में क्या बात हुई मुझे नहीं पता। बीते कई महीनों से जारी जांच में पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। इन्हीं साक्ष्यों की बिना पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे सवाल जवाब में मामले की कड़ियां जुड़ती गईं। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट की धाराएं भी लगा दी। माना जा रहा है कि NDPS एक्ट लगने से एल्विश की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। हमेशा रौबदार अंदाज में रहने वाले एल्विश गौतम बुद्ध नगर की जेल में बंद है। जेल के अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कैसे जेल में उनकी रात गुजरी। जेल में एल्विश यादव करवट बदलते गुजरी पूरी रात, एल्विश ने पूरा खाना नहीं खाया। जेल में काफी बेचैन भी दिखे, सुबह नाश्ता चाय दिया गया, सुबह एल्विश ने सिर्फ चाय पी। पुलिस के मुताबिक रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में घिरे एल्विश यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि पुलिस इस मामले में जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है।
आज एल्विश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। कानून के दायरे में रहकर ही लोकप्रियता पाई जाए तभी फायदा है, वरना अंजाम सामने है। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.